वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे वन मोर कोर्स टू क्रैक नर्सिंग ऑफिसर इन डिफरेंट एग्जामिनेशन लाइक एम्स, पीजीआई, एमईआर, जिपमर, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, या कोई भी सेंट्रल पीसी का हॉस्पिटल में आपको क्रैक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद भी आप रेलवे रिक्रूटमेंट में भी क्रैक कर सकते हैं। मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ, ये पार्ट टू है दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं वो कौन सा एक तो वन मंथ कोर्स है जो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सबसे अच्छा मौका है। चलो दोस्तों देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स है, प्रेगनेंट। ओके, प्रेगनेंट लेडी में, ओके प्रेगनेंट पता चला जिस दिन हमको कन्फर्म हुआ तो उसी दिन हमको क्या देना है, टीटानोस टॉक्सेट वन देना है, टीटानोस टॉक्सेट वन। ओके, उसके बाद जिस दिन दिया गया उसके बाद फोर वीक्स के बाद, मीन टीटी वन का फोर वीक्स के बाद हमको क्या देना है, टीटी टू देना है, टीटानोस टॉक्सेट टू देना है, जिसका डोज कितना रहेगा, 0.5 ml रहेगा। ओके, कौन सा रूट में दिया जाएगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इंट्रामस्कुलर दोस्तों दिया जाएगा, जो कि डेल्टॉइड मसल में दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एमएमआर वैक्सीन, मेजिल मॉम्स रूबेला वैक्सीन। ओके, जो बच्चा अगर एचआईवी पॉजिटिव रहेगा तो उसमें हम नहीं दे सकते हैं ये एमएमआर वैक्सीन, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जोस्टर वैक्सीन लाइव। ओके, ये एक्चुअली जो एडमिनिस्टर किया जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबक्यूटानियसली है, इसका जो डोज है ये सिंगल डोज है, ये डेल्टेड रीजन में दिया जा सकता है। ओके, याद रखिए जोस्टर वैक्सीन लाइव जो है इसको हम इंट्रामस्कुलरली नहीं दे सकते, ये भी जरूरी रखना है। उसके बाद दोस्तों अनदर इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है एमएमआर वैक्सीन, अगर मदर को एडवाइस कर रहे हैं। ओके, तो जिस दिन सपोज आज के डेट में दिया तो आज का दिन से 3 महीना तक, ओके उसको प्रेग्नेंट नहीं रहना है, अगर प्रेग्नेंट का अगर प्लानिंग किया है, अगर एमएमआर वैक्सीन दे दिया तो 3 महीना तक वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओके उसके लिए प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक लेडी अगर सोचता है कि मैं 3 महीना के अंदर प्रेग्नेंट हूँ तो क्या होने का ज्यादा चांसेस है दोस्तों, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम होने का चांसेस है, या वो बच्चा का स्टील बार्थ होने का चांसेस है। ओके, तो इसीलिए आप एडवाइस करिए मदर को 3 महीना तक वो प्रेग्नेंट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का डोज क्या होता है। ओके, 0 मंथ में जिस दिन दिया गया वो 0 डेज होगा, उसके बाद 1 मंथ में दे सकेंगे, उसके बाद 6 मंथ में दिया जाएगा। ओके, अगर किसी का अगर ग्रेटर देन 10 mAb पर ml अगर टाइटर लेवल है तो उसको बूस्टर डोज नहीं चाहिए दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। ओके, मदर को देना चाहिए 300 micrograms का, 300 micrograms। ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर मदर आरएज नेगेटिव है विदिन 72 आवर्स के अंदर। ओके, आरएज फैक्टर जो रिसर्च फैक्टर बोलते हैं, अगर मदर ओके 72 आवर्स के मीन मदर अगर डिलीवरी हुआ उसके 72 घंटा के अंदर अगर आरएज नेगेटिव है तो उसको एंटी डी गामा ग्लोबुलिन 300 microgram का देना चाहिए दोस्तों। ये था सबसे इम्पोर्टेंट, ओके गोल्डन पॉइंट जो मदर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डिसइन्फेक्शन के बारे में अभी थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे। ओके, डिसइन्फेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट दोस्तों। सेप्सिस, सेप्सिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन। ओके, और इसको इन्फेक्शन को हम बोल सकते हैं इसको इन्वेजन ऑफ पैथोजन, इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब क्या है, एंट्री। ओके, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज करता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने पैथोजेंस बोलते हैं दोस्तों। ओके, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज करता है उसको पैथोजेन बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अनदर टर्म है असेप्सिस, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो पोर्टल ऑफ एंट्री कैसा होता है और दोस्तों, ओके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कैसे एंट्री करते हैं, उसका रूट क्या होगा, रेस्पिरेटरी रूट। ओके, जैसे हम रेस्पिरेटरी रूट का लेंगे तो जैसे नॉस्ट्रिल से एंट्री करेगा। उसके बाद जी आई ट्री, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक दोस्तों। उसके बाद स्किन से भी जा सकता है, जेनाइटो यूनिराइन रूट से भी जा सकता है, ये जो मैं बोला ये सब दोस्तों पोर्टल ऑफ एंट्री है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया का मतलब क्या है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ओके, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, इसको भी जरूर याद रखिए। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे फ्लो ऑफ रनिंग वाटर। ओके, जब भी हम मेडिकल और क्लीन टेक्निक कर रहे हैं तो एल्बो टू पाम करना जरूरी है।
एल्बो टू पाम करना जरूरी है दोस्तों। अगर पाम टू एल्बो करते हैं तो सर्जिकल और स्टेराइल टेक्निक बोलेंगे। ओके, पाम टू एल्बो होगा तो सर्जिकल और स्टेराइल टेक्निक होगा। ओके, एल्बो टू पाम होगा तो उसको मेडिकल व क्लीन टेक्निक बोला जाता है दोस्तों। ओके, उसके बाद हैंड वॉशिंग। ओके, हैंड वॉशिंग फ्रॉम लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड। ओके, जहां पर लेस कॉन्टामिनेटेड हुआ है हैंड वॉशिंग करने के टाइम मोर कॉन्टामिनेटेड की तरफ वो आना चाहिए। ओके, नहीं कि मोर कॉन्टामिनेटेड से लेस कॉन्टामिनेटेड जाना चाहिए, ये नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों अभी हम देखेंगे स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग अकॉर्डिंग टू WHO। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज याद रखना, जब ही आप क्योंकि किसी कुछ भी अगर जैसे सैनिटाइजर में कर रहे हैं ओके या स्पिरिट में कर रहे हैं ओके, तो उसी टाइम कितना टाइम लेना चाहिए, मिनिमम टाइम कितना लेना है, 20-30 सेकंड लेना चाहिए। ओके, अगर आप हैंड वॉशिंग कर रहे हैं सोप विद वाटर तो आपको 40-60 सेकंड लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जब भी हम हैंड वॉशिंग करेंगे पाम टू पाम पहला स्टेप होगा, उसके बाद ओके नंबर टू स्टेप पाम टू डोर्सल और बैक साइड ऑफ द हैंड होगा, उसके बाद इंटरलेसिंग फिंगर होगा, उसके बाद नकल्स, उसके बाद रोटेशन ऑफ थंब, नंबर सिक्स में टिप्स ऑफ फिंगर, उसके बाद दोस्तों रिस्ट होगा। ये सब क्या है ओके, हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर है दोस्तों। ओके, बस स्टेप बोल सकते हैं इसको, इसको जरूर याद रखिए, इसको माइंड में ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल दिया हूँ अगर सैनिटाइजर में आप कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO 20-30 सेकेंड सैनिटाइजर स्प्रिट। ओके, 20-30 सेकेंड। ओके, अगर सोप में आप कर रहे हैं, सोप विद वाटर कर रहे हैं तो 40-60 सेकेंड, इसको जरूर याद रखिए क्योंकि अभी का टाइम जो कोरोना का टाइम। ओके, इसीलिए जरूर याद रखें। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एक डिस इन्फेक्शन। ओके, डिस इन्फेक्शन का मतलब क्या है, किलिंग पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ओके, हमको दो टो टाइप डिस इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, एक ठो होता है टर्मिनल डिस इन्फेक्शन और एक ठो कॉन्करेंट डिस इन्फेक्शन। ओके, पेशेंट सपोज डिस्चार्ज हो गया कि डेथ हो गया कि एक जगह से दूसरा जगह वो ट्रांसफर हो रहा है कि एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल और हेल्थ रेफर हो रहे हैं, जो डिसइंफेक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन दोस्तों। और अभी पेशेंट बेड में है। ओके, अभी पेशेंट बेड में है तो उसके लिए जो डिसइंफेक्शन किया जाता है उसको कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एंटीसेप्टिक। ओके, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको जरूर याद रखें। बैक्टेरियोस्टैटिक का मतलब है किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया, इसको माने बैक्टीरिया को ओके इनहिबिट द बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरियोसाइट होगा तो क्या होगा, बैक्टीरियोसाइट होगा तो किल द बैक्टीरिया होगा। ओके, तो बैक्टीरियोस्टैटिक है तो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होगा, तो यहाँ पर ये किल नहीं होगा दोस्तों। ओके, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होगा, इसको जरूरी है। ओके, इनहिबिट, ओके INHIBIT इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, इसको जरूर याद रखिए। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया उसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोला जाते हैं दोस्तों। किल द बैक्टीरिया नहीं होगा, किल द बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरियोसाइट होगा। उसके बाद देखेंगे ऑटोक्लेव। ओके, जितना भी प्रोसीजर है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन हॉस्पिटल कौन सा है, ऑटोक्लेविंग, इसको जरूर याद रखिए, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे रेडिएशन। अगर कमर्शियल लेवल में जैसे गामा रेडिएशन के ओके बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कमर्शियल लेवल में ओके वो क्या है, गामा रे इरेडिएशन, उसको जरूर याद रखिए। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो, या नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, या स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो। किसी बैक्टीरिया को स्पोर हो जाता है वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया नहीं मरता है। ओके, वो जो स्पोर रह जाता है, जो आउटर कवरिंग में एक तो स्पोर फॉर्मेशन होता है, उसको मारने के लिए या उसको भी मार देगा, वैसे टाइप का स्टेरिलाइजेशन मेथड को हम बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे, वैसे टाइप का प्रोसेस को हम बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन दोस्तों। ओके, तो तीन टू टाइप का हम स्टेरिलाइजेशन देखने मिला, एक तो फिजिकल स्टेरिलाइजेशन, एक तो केमिकल और कूल स्टेरिलाइजेशन, एंड गैसियस स्टेरिलाइजेशन दोस्तों, इसको जरूर याद रखना। उसके बाद देखेंगे हम फिजिकल स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल स्टेरिलाइजेशन जो है क्या कितना डिग्री लिया जाता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 15 LB फॉर
15 to 20 में मेन प्रेशर जो एलवी का मतलब हो गया तुम्हारा प्रेशर, ओके इसको जरूर याद रखिए, पाउंड एलवी का मतलब हो गया 15 pound प्रेशर यहाँ देना है कितना मिनट के लिए, 15 to 20 मिनट, ये इसको जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद एस एस ड्रम, क्योंकि ऑल इंस्ट्रूमेंट पूरी दिन दिस फॉर ऑटोक्लेविंग, क्योंकि एस एस ड्रम में हम जितना भी इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको ऑटोक्लेविंग के लिए पुट कर दिया, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, ओके 30 मिनट फॉर रेव आर्टिकल्स, ओके 20 मिनट फॉर ओपन आर्टिकल, ओके। उसके लिए अनदर इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको बॉयलिंग में स्टेलाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका जो शार्पनेस रहता है वो कम हो जाता है, ओके। और एक बार अगर ड्रम को ओपन कर दिया गया, ऑल द सेट ऑफ आर्टिकल्स आर यूज्ड विद इन 24 आवर्स, एक बार हम ड्रम को ओपन कर दें तो ओके जो आर्टिकल्स है उसको 24 आवर्स के अंदर यूज करना है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए, ओके। इफ ड्रम इज नॉट ओपन, अगर ड्रम को ओपन नहीं किया गया तो जितना जो सेट ऑफ आर्टिकल्स है उसको 7 दिन के अंदर हमको क्या करना है, व्यवहार करना है, ओके इसको जरूर है। अगर नहीं हो पाया, यूज नहीं हो पाया तो दोबारा उसको ओके अगेन उसको स्टेलाइज किया जाएगा, ओके ये था इम्पोर्टेंट फिजिकल स्टेलाइजेशन का दोस्तों। उसके बाद देखेंगे केमिकल और कोल्ड स्टेलाइजेशन दोस्तों, इसमें क्या होता है, केमिकल एजेंट यूज किया जाता है कोल्ड स्टेलाइजेशन, क्योंकि कौन कौन सा केमिकल है, देखते सीडेक्स, सीडेक्स जो है वो देखिए मैंने जो सीडेक्स है एक तो डिसइंफेक्टेंट है दोस्तों, ये हॉस्पिटल केस किया जाता है, 2% to 2.45% ग्लूटराल्डिहाइड सीडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, ओके इसमें मेटल्स को स्टेलाइज किया जाता है, क्योंकि स्टेनिंग को मेटल्स होने का ज्यादा चांसेस है, इसलिए व्यवहार नहीं किया जाता है सीडेक्स को मेटल स्टेलाइज करने के लिए, ओके। कौन कौन सा होता है, एंडोस्कोप को स्टेलाइज किया जाता है, ह्यूमिडिफायर्स को स्टेलाइज किया जाता है, नेबुलाइज और ट्यूबिंग्स को स्टेलाइज किया जाता है सीडेक्स सोल्यूशन, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद फिनॉल 5% जो होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोलिक एसिड अवेलेबल होता है इन द क्रिस्टल फॉर्म, ओके। तो कार्बोलिक एसिड और वाटर का जो मीन वाटर एंड फिनॉल का रेशियो क्या होता है, 950:50 रहता है, इसको जरूर याद रखिए, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन, जो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट नाम से जाना जाता है, इसका ट्रेड नाम है पोलार नाम से आता है, इसका जो यूज कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है, 1% होता है दोस्तों, ओके। जैसे HIV पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट, ओके कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट ओके HIV पॉजिटिव पेशेंट को अगर यूज किया गया है तो उसको सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन में डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा, या ब्रॉड लगा हुआ है या ट्यूबिंग इज डिसइंफेक्टेंट बाय द 1% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद सावलन यूज किया जाता है 5%, स्पिरिट 70%, अल्कोहल जो ओके स्किन सरफेस को अगर कोई भी हम इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं उसी टाइम जो स्किन सरफेस रहता है उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए व्यवहार किया जाता है, या थर्मोमीटर, ओके थर्मोमीटर को क्लीन करने के लिए व्यवहार किया जाता है, इसको भी जरूर याद रखिए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट, ओके ये माउथ वॉश करने के लिए व्यवहार किया जाता है, या सीज बात करना है सीज बात के लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट व्यवहार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1:8, ओके 1:8 दोस्तों, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1:8 बोलेंगे, ओके। तो ये क्या किया जाता है, माउस को वॉश करने के लिए इसको भी व्यवहार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों गैसियस स्टेरिलाइजेशन, ओके फर्स्ट है फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन माने ईनोटी ऑपरेशन थियर में, ओके ये क्या होता है, फॉर्मलिन गैस ओके 24 आवर्स के लिए ऊटी को क्लोज कर दिया जाता है, न्यू कॉन्सेप्ट में क्या है, फॉगर्स और फॉगिंग ऊटी स्टेरिलाइज किया जा रहा है, ओके जो से हम इको सील्ड करके उसको 30 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा, ओके फॉर 30 मिनट्स वेटिंग टाइम करेंगे, टोटल 1 आवर लगता है, ओके केस कैन बी टेकन अपटू 1 आवर, ओके मीन 1 घंटा के बाद हम केस ले सकते हैं, मैंने ऑपरेशन कर सकते हैं, ये है नया टिप्पणी में, न्यू कॉन्सेप्ट में, इसको जरूर याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कौन सा आर्टिकल्स को कैसे ओके उसको स्टेलाइज किया जाता है, उसका लाइफ स्पैन कितना रहेगा, ये बार स्टेलाइज हुआ चिटिल फोर से 24 आवर्स इन 18 वाट से, ओके ह्यूमिडिफायर यूज्ड विद इन ओके 24 आवर, वेंटिलेटर ट्यूबिंग यूज्ड विद इन 3 डेज, ओके एसएस ड्रम यूज्ड विद इन 3 डेज, ओके एक बार अगर किसी पेशेंट को यूज किया तो दोबारा उसको मीन 24 आवर बोले हैं वैसे नहीं है, एक बार पेशेंट को यूज किया तो वो दोबारा यूज नहीं होगा। उसके बाद आईवी कैनुला इन हैंड 3 डेज चेंज इन 4th डे, ओके ये जरूर जानना चाहिए, गॉज एंड बैंडेज यूज्ड विद इन 3 डेज, पैक्ड मटेरियल फॉर 1 ईयर तक हम उसको व्यवहार कर सकते हैं दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।